बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इस्माइल रेहान इज़ हेयर फ्राम सी सी यू सेकेंडरी कोटदू। आठवीं क्लास की इंग्लिश के जो सिलेबस हमने आपको स्टूडेंट्स बताया था, तो उसमें जो आपका फर्स्ट लेसन है सिलेबस में वो है सेकेंड लेसन। तो सेकेंड लेसन की ट्रांसलेशन, उसके क्वेश्चन आंसर वो ऑलरेडी आपके पास नोट्स के सूरत में हैं पढ़े। तो अब मैं आपको स्टार्ट करने लगा हूँ जो एक्सरसाइज है इस लेसन की, एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी ये एक्सरसाइज हम आपको करवा चुके हैं, लेकिन आपकी बेहतर जो है तैयारी के लिए इम्तिहानात की, तो उसके लिए एक बार दोबारा रिवीजन करवा रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लेसन की एक्सरसाइज। क्वेश्चन है सप्लाई द करेक्ट टेंस इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ब्स गिवन विद इन ब्रैकेट्स। ब्रैक टू में दिए गए वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए खाली जगह पे दुरुस्त टेंस लगाना है आपने। तो जैसे एग्जांपल है दे डैश फ्रॉम इंग्लैंड बाय प्लेन जस्ट नाउ। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिए जाएंगे, आपने क्या करना है, जो सही वर्ब की फॉर्म है उसका इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ, या यहाँ पे जो टेंस इस्तेमाल होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप हमेशा याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रोनाउन ही शी इट या सिंगुलर नाउन के बाद हमेशा हैज आता है, और उसके बाद प्रोनाउन आई वी यू दे या प्लुरल नाउन्स के साथ हमेशा हैव आता है, ठीक है। तो और ये भी याद रखिएगा हैज़ हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें हमारा प्रोनाउन है, हमें दिया गया है दे, तो दे के साथ आपने हैव लगाना है। दे डैश फ्रॉम इंग्लैंड बाय प्लेन जस्ट नाउ। दे हैव अराइव्ड फ्रॉम इंग्लैंड बाय प्लेन जस्ट नाउ। सेकेंड देखें, वी एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टुडे। वी डैश एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टुडे। हमारे पास ऑप्शन है वॉच, वॉच्ड एंड वॉच्ड। तो मैंने आपको जैसे बताया था यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपने इस्तेमाल करना है, यहाँ पे हैज़ वॉच आएगा या हैव वॉच आएगा। तो अगर हमारे पास प्रोनाउन्स या सब्जेक्ट जो है ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा, तो हम हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की लगाएंगे, और अगर हमारे पास प्रोनाउन जो है वो आई वी यू दे या प्लुरल नाउन होंगे, तो फिर हैव के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखेंगे, वी डैश एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टुडे, वी के साथ हैव आएगा, वी हैव वॉच्ड एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टुडे। सेकेंड, द क्लॉक डैश फाइव, द क्लॉक डैश फाइव, हमारे पास ऑप्शन है स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्राइकन। तो थर्ड फॉर्म जो है वो स्ट्राइक की होगी, स्ट्राइकन। द क्लॉक हैज स्ट्राइकन फाइव, द क्लॉक हैज स्ट्राइकन फाइव। थर्ड देखेंगे, द गार्डनर डैश लॉन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टुडे। द गार्डनर, क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। द गार्डनर हैज़ मोन द लॉन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टुडे। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, डैश यू एवर डैश इन द रिवर, डैश यू एवर डैश इन द रिवर, हैव यू स्वम इन द रिवर, हैव यू एवर स्वम इन द रिवर। फर्स्ट आप ब्लैंक में लिखेंगे हैव, और सेकंड में लिखेंगे स्विम की थर्ड फॉर्म होती है स्वम, हैव यू एवर स्वम इन द रिवर। फोर्थ ऑप्शन है दिस मिल्क डैश सोर वी कांट ड्रिंक इट, दिस मिल्क डैश सोर वी कांट ड्रिंक इट। आपके पास ऑप्शन है गो वेंट गॉन, गो वेंट एंड गॉन। उसके बाद आपको सेकंड भी ऑप्शन दिए गए हैं टर्न, टर्नड और टर्नड। तो आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है द दिस मिल्क हैज़ गॉन, हैज़ गॉन लिखेंगे या फिर लिखेंगे हैज़ टर्नड, दिस मिल्क हैज़ गॉन और हैज़ टर्नड। उसके बाद आपके पास सिक्स ऑप्शन है द बुचर डैश अ काउ फॉर द मीट,
The butcher has slaughtered a cow for the meat. Seventh option, he dash two books this year. He has, क्योंकि he जो है वो singular pronoun है तो और इसके साथ हम क्या लगाते हैं he के साथ has. He has two books. He has published two books this year. Eighth option आपके पास है I dash not dash Zahid since he was 14. यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं हैव और सीन. आई डैश नॉट डैश ज़ाहिद सिंस ही वाज 14. आई हैव नॉट सीन ज़ाहिद सिंस ही वाज 14. नाइन्थ ऑप्शन नो यू डैश अनदर मिस्टेक. ऑप्शन है आपके पास मेक मेड एंड मेड. नो यू डैश अनदर मिस्टेक. नो यू हैव मेड अनदर मिस्टेक. ऑप्शन 10 नोशीन डैश हर निटिंग एंड इज नाउ गोइंग टू रीड अ स्टोरी बुक. आपके पास ऑप्शन है फिनिश फिनिश्ड एंड फिनिश्ड. तो आप यहां पे आपका सही ऑप्शन होगा नोशीन हैज फिनिश्ड हर निटिंग एंड इज नाउ गोइंग टू रीड अ स्टोरी बुक. अब यही सारे ऑप्शन मैंने यहां पे राइट किए हुए हैं तो आप अपनी बुक से देख के इनको आपने नीटली और अच्छे से राइट करना है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्टिव नाउन. अ क्राउड इज़ अ लॉट ऑफ मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन. हुजूम से मुराद बहुत सारे मर्द औरतें और बच्चे वगैरह हो सकते हैं. अब कलेक्टिव नाउन से मुराद यही होता है कि किसी भी चीज़ के हुजूम को हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं. मतलब वो लोगों का भी हुजूम हो सकता है, अशिया का भी हुजूम हो सकता है. अब जैसे बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं तो उसकी कलेक्टिव नाउन होगा कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ बुक्स. अब बहुत सारे एक क्लासरूम है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, आप बच्चों के उस कलेक्शन को क्या कहेंगे, उसके मजमूए को क्या कहेंगे, क्लासरूम कहेंगे या स्टूडेंट कहेंगे. इसी तरह जो है बहुत सारे बहरी जहाज़ हैं उनकी कलेक्शन को, हुजूम को आप फ्लीट कहेंगे. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हम इस्तेमाल करेंगे. तो फर्स्ट है क्लॉथ्स आर अ लॉट ऑफ डैश. आपको तीन ऑप्शन दिए जाएंगे तो उसमें से आपने जो है वो बताना है कि क्लॉथ में कौन कौन सी चीज़ आती हैं वो आपने राइट करनी है. तो क्लॉथ्स आर लॉट ऑफ शर्ट्स शलवार्स एंड दुपट्टाज, ये राइट करेंगे आप. सेकंड देखेंगे फर्नीचर इज़ अ लॉट ऑफ चेयर्स टेबल एंड अलमीराज. पोल्ट्री आर अ लॉट ऑफ चिकन्स हैंस एंड डक्स. कैटल आर अ लॉट ऑफ काउज बफलोज एंड शीप. शीप की जमा शीप ही होता है, शीप्स राइट नहीं करेंगे. स्टेशनरी इज़ अ लॉट ऑफ पेन्स पेंसिल्स एंड पेपर्स. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है एडवर्ब. एडवर्ब की डेफिनेशन देखेंगे आप. एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब. अब एडवर्ब्स की बहुत सारी काइंड्स होती हैं, अकसाम हैं, जिनमें से कुछ मैंने यहाँ पे राइट की हैं. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम. इसकी और भी हैं लेकिन आपके जो यहाँ पे गिवन सिलेबस में है वो यही दिए गए हैं, तीन आपको दिए गए हैं. तो फर्स्ट में देखेंगे आप इसकी एग्जाम्पल मैंने राइट की हैं एडवर्ब ऑफ मैनर स्लोली हैविली एंड ब्राइटली. अब एडवर्ब ऑफ मैनर में नॉर्मली ऐसा होता है कि इसके लास्ट में एलवाई आता है, ठीक है. उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस में आप देखेंगे आउटसाइड हेयर एंड देयर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं. इसी तरह एडवर्ब ऑफ टाइम में लेट एंड लास्ट, ये मैंने एग्जांपल राइट की हैं. तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से. यहाँ पे एक एक्टिविटी है चेन द फॉलोइंग एडजेक्टिव टू एडवर्ब्स. तो अब आपको जो है एडजेक्टिव दिए गए हैं, आपने चेंज करना है उसको एडवर्ब में. जैसे स्ट्रांग है तो स्ट्रांग को आप, स्ट्रांग एक एडजेक्टिव है, इसको आप जब एडवर्ब में चेंज करेंगे तो आपने सिंपली करना ये है कि लास्ट पे एलवाई लगाना है. जैसे स्ट्रांग है तो स्ट्रांग से स्ट्रांगली होगा, ब्रेव से ब्रेवली, सॉफ्ट से सॉफ्टली और क्वाइट से क्वाइटली, और लास्ट वन है स्लो से स्लोली. उसके बाद सेकंड एक्टिविटी है अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको कुछ यहाँ पे जुमले दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो उसमें से आपने बताना है कि ये कौन सा एडवर्ब है वो भी बताना है और उसको आपने अंडरलाइन भी करना है. जैसे फर्स्ट है अहमद यू कैन स्टे. अब यहाँ पे आउटसाइड को आपने अंडरलाइन करना है.
अहमद यू कैन स्टे आउटसाइड। आउटसाइड क्या है? आउटसाइड एडवर्ब है, इसको अंडरलाइन करना है। और इसके बाद आगे आपको एक टेबल दी जाएगी, उसमें आपने बताना है कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है या एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, तो फर्स्ट आपने करना ये, यहाँ पे इसको आपने जस्ट अंडरलाइन करना है। सेकंड है कम हेयर, यहाँ पे हेयर को अंडरलाइन कर लें, हेयर क्या है एडवर्ब है। थर्ड है द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, ब्राइटली को अंडरलाइन करें, ब्राइटली एडवर्ब है। द ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग स्लोली, द ओल्ड मैन इज़ वॉकिंग स्लोली, स्लोली एडवर्ब है, इसको अंडरलाइन कर लें। सना अराइव्ड लेट, सना अराइव्ड लेट, लेट को अंडरलाइन करें, एडवर्ब है। इट रेन्ड हैवली लास्ट नाइट, यहाँ पे देखें इस ऑप्शन नंबर सिक्स में इट रेन्ड हैवली लास्ट नाइट, यहाँ पे लास्ट भी एडवर्ब है और हैवली भी एडवर्ब है, दोनों को अंडरलाइन करेंगे। और सेवन्थ ऑप्शन है प्लीज़ पुट द कप्स देयर, प्लीज़ पुट्स द कप्स देयर, यहाँ पे देयर जो है वो एडवर्ब है, उसको अंडरलाइन करना है। अब आ जाएँ नेक्स्ट, एक टेबल है आपको दी गई है, इसमें आपने वक्त जगह और आदाब के मुतालिक फेल चुनने हैं और उनको मुतलका कालमों में आपने राइट करना है। तो जैसे फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर में, इन्हीं में से आपने चूज़ करना है। तो यहाँ पे जो है स्लोली, हैवली एंड ब्राइटली वो एडवर्ब ऑफ मैनर में लिखेंगे, और उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस में आप राइट करेंगे आउटसाइड, हेयर एंड देयर। ठीक है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम में आप राइट करेंगे लेट एंड लास्ट, लेट एंड लास्ट। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर एफ, वर्ड वर्ड इज़ यूज्ड फॉर, के किसी के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे आपको एग्जांपल दी गई है वन हु स्पीक्स, स्पीकर, वन हु स्पीक्स स्पीकर, तो आपने नेक्स्ट भी ऐसे ही राइट करना है कि जो बोलता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलने वाला कहते हैं, उसको स्पीकर कहते हैं। तो यहाँ पे अब फर्स्ट ऑप्शन है वन हु टीचस, जो पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं टीचर, वन हु टीचस टीचर, वन हु बाइस बायर, इसके स्पेलिंग आपने सही राइट करने हैं बी यू वाई ए आर, वन हु सेल्स सेलर, वन हु सेल्स सेलर, वन हु एक्ट्स एक्टर, एक्टर में आपने इसके भी स्पेलिंग सही कॉन्शियस होकर लिखिएगा ए सी टी ओ आर लिखना है, वन हु प्लेस प्लेयर, वन हु प्लेस प्लेयर्स, वन हु ऑपरेट्स जो ऑपरेट करता है उसको क्या कहते हैं ऑपरेटर कहते हैं, वन हु ऑपरेट्स ऑपरेटर टी ई आ रहेगा, वन हु सिंग्स सिंगर जो गाना गाता है उसको क्या कहते हैं सिंगर कहते हैं, वन हु राइट्स जो लिखता है उसको राइटर कहते हैं, वन हु चैलेंजेस जो चैलेंज करता है उसको क्या कहते हैं चैलेंजर कहते हैं, वन हु रीड्स रीडर एंड वन हु लाइज लायर, वन हु लाइज लायर। अल्लाह हाफिज़।